हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज हमारा ये सेकंड वीडियो है एक्सरसाइज 2C से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके अंतर्गत जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको आगे प्रोसीड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 4 क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो हम अब 5 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक हो सके इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 5 नंबर है और ये हमारा दिया गया था यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पीएक्स इज डिवाइडेड बाय जीएक्स। यहाँ पर पीएक्स दिया गया और ये जीएक्स है। पीएक्स इज डिवाइडेड बाय जीएक्स, देन वी फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे लॉन्ग जो डिविजन एल्गोरिदम वे होता है, लॉन्ग डिविजन तरीका जो होता है वो हमें यूज नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। तो देखिए, तो आप ये जानते हैं जैसे जीएक्स जो है, जीएक्स को आप क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे और जीरो से इक्वेट करने के बाद एक्स का वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन पीएक्स इज डिवाइडेड बाय जीएक्स देन P2 यहाँ पर ये जो P2 इज इट्स रिमाइंडर। तो यहाँ पे बस स्टेटमेंट आपको लिख देना है कि एज वी नो दैट व्हेन PX इज डिवाइडेड बाय GX देन P2 इज इट्स रिमाइंडर, ठीक है। तो P2 यहाँ पे फाइंड करेंगे, 2 पुट कर देना है, तो 2 to the power 4 6 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4 16 होगा और यहाँ पर 6 × 4 माइनस यहाँ पर 8 × 2 माइनस 2, तो ये 16 × 3 = 48, ये 24, ये हो जाएगा 16 और ये माइनस 2, तो ये सबको अगर ऐड किया जाए तो ये 48 और ये कितना आ जाएगा 42। तो हमारा यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हमें फाइंड करना है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और जीरो से इक्वेट करने के पश्चात एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमारा 3/2 आया और फिर पॉलिनोमियल में 3/2 पुट कर देना है, तो 2 × 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8 माइनस 9 × 9/4 प्लस 3/2 प्लस 15, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4 और बाकी तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 27 माइनस 81 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 और ये प्लस 60, ठीक है। प्लस वाले को सबको ऐड करेंगे, 87 प्लस 6 93 माइनस 81/4, ठीक है। तो यहाँ 9 और प्लस 3 12/4 इज इक्वल टू 3, हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर हमारा। 7 नंबर में भी सिमिलरली जिस तरीके से उस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया है वैसे ही इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू हमारा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस 1 पुट कर देना है, x के दिए गए पॉलिनोमियल में x के जगह पे माइनस 1 पुट करना है, तो माइनस 1 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हमारा माइनस 2 क्योंकि ये इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर आ जाएगा 8 प्लस 1, ये 9 और ये माइनस 3 इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे जीएक्स को फिर से इक्वेट करेंगे जीरो से, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, माइनस 2 आ गया, p माइनस 2 हमें पुट कर देना है, तो 2 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू माइनस 2 माइनस 12, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 इंटू माइनस 8 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 12 तो ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस ये 34 आप लिख सकते हैं, ये दोनों को ऐड करके 34 माइनस 12 ये आ जाएगा 34 माइनस 28, ठीक है, और 28 तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। 9 नंबर में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स और ये जी एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। जी एक्स को हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, इट मीन्स 3x + 2 = 0, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -2/3 हमारा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्योंकि आप रिमाइंडर थ्योरम और पिछले भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का बनवा चुके हैं, तो आप ऐसे आप समझ सकते हैं। -2/3 पुट करेंगे तो 6 - 2/3 3 - 2/3 2/3 तो यहाँ हो जाएगा 6 - 8 बाई, ये कितना हो जाएगा 27 + 13, यहाँ हो जाएगा 4/9, ठीक है, और ये हो जाएगा +3, तो ये 2 टाइम्स में, और ये कितना आ जाएगा 3 2 जा और 9 से ये, ठीक है, अब कहीं कटने वाला नहीं है। तो यहाँ -16 प्लस, अगर हम एलसीएम 9 लें तो ये -16 और यहाँ आ जाएगा 52 प्लस, ये कितना आ जाएगा 27, ठीक है। अब सबको अगर सॉल्व करें, ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 7 - 16/9, इसको अगर सॉल्व करें तो 3 63/9, और यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो सिमिलर वे में इसको भी इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, 1 - 3/2 x = 0, यहां से 3/2 x = 1, और x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये हमारा 1 उस साइड गया, ठीक है, या फिर आप 3/2 को एक साइड में लेकर जाइए तो दोनों साइड में प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई में और फिर 3 डिवाइड में। अब यहां से हम दिए गए पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं 2/3 को, तो 2/3 होल क्यूब - 6 2/3 होल स्क्वायर + 2 × 2/3 - 4, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27, यहाँ पे 6 × 4/9 + 4/3 - 4, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। हम 27 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 8, ये हमारा 4 2 जा 8 होगा, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में, तो 8 9 जा 72, ठीक है। यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो 9 टाइम्स में 9 4 जा 36, और यहाँ पर 27 × 4 तो हमारा आ जाएगा 80 और 20 108, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 108 और 72 को हम सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा -180, ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा +44/27, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 136 - 136/27, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर जी एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1/2, और इसको एक्स के वैल्यू को पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में पुट कर देना है, तो -1/2 होल क्यूब + 3 × -1/2 होल स्क्वायर - 11 × -1/2 -3, ठीक है। तो यहाँ पे 2, ये हो जाएगा -1/8 + 3 × 1/4 - और ये माइनस माइनस हो जाएगा +11/2 और -3, ये हमारा आ जाएगा 4, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/4 + 3/4 + 11/2 - 3, एलसीएम हमारा आएगा 4, तो यहाँ पे -1 + 3 + 22 और ये आ जाएगा -12, तो ये दोनों को ऐड करें तो 25, और ये दोनों को साथ में ले जाएं तो ये हो जाएगा -13/4, ये आएगा -12/4 = -3। चलिए सेम वे यहाँ पे भी हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो से, तो x = a आएगा,
तो पॉलिनोमियल ऑफ ए फाइंड करेंगे, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए, तो यहाँ पे ए क्यूब और ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे प्लस सिक्स ए माइनस ए, तो इससे ये कट जाएगा और सिक्स ए में से माइनस ए जाएगा, आंसर आएगा हमारा फाइव ए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।